नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले दो सालों से और खासतौर पर 2019 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में मिली टीम इंडिया को हार के बाद से ही क्रिकेट की दुनिया के कई जानकार ये बात कह चुके हैं कि लिमिटेड ओवर ना सही कम से कम T20I फॉर्मेट के कप्तान हिटमैन को सौंप देनी चाहिए। पिछले दो सालों से विराट कोहली का बल्ला भी वैसे नहीं बोल रहा है जैसे बोला करता था। सभी फॉर्मेट में मिलाकर 50 से ज़्यादा पारियां हो गई हैं और कोहली के बल्ले से एक भी शतक नहीं आया है। हालांकि विराट की कप्तानी को लेकर ज़्यादा बात नहीं होती बल्कि बड़े इवेंट्स में उनके चोक करने पर चर्चा होती है। हाल ही में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी कुछ ऐसा ही हुआ जहां टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। अब जल्द ही टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप में खेलती नजर आएगी जिसके लिए टीम का ऐलान भी कर दिया गया है। लेकिन अचानक से सोमवार को खबरें आई कि T20 वर्ल्ड कप के बाद विराट कोहली कप्तानी छोड़ देंगे और रोहित शर्मा कमान संभालेंगे। खबर आग की तरह फैली और देखते ही देखते बवाल सा खड़ा हो गया जिस पर आखिरकार BCCI को भी सामने आकर जवाब देना पड़ा और इन खबरों को सरासर गलत करार दिया गया। अब सवाल सामने ये है कि आखिर ये बातें क्यों हो रही हैं? इस वजह को जानने की कोशिश हम इस वीडियो में करेंगे। दरअसल पिछले कुछ सालों में कोहली कप्तानी के मामले में बैकफुट पर हैं और उसकी वजह उनकी बल्लेबाजी है। ऐसे में रोहित को उनका विकल्प माना जा रहा है। रोहित लिमिटेड ओवर की फॉर्मेट में टीम इंडिया के उपकप्तान भी हैं और 5 बार IPL का खिताब मुंबई को जिता चुके हैं। विराट कोहली के नाम एक भी IPL खिताब नहीं है। क्या लिमिटेड ओवर्स में रोहित कोहली से बेस्ट है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। 2013 में मुंबई इंडियंस ने टूर्नामेंट के बीच में ही रोहित शर्मा को कप्तानी सौंप दी थी और एक बड़ा दाव खेल दिया था। मुंबई का यह दाव टीम के काम आ गया और फ्रेंचाइजी पहली बार ट्रॉफी जीतने में सफल रह गई। इसके बाद रोहित ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। रोहित 5 IPL ट्रॉफी अपनी टीम को जिता चुके हैं। रोहित ने मुंबई को 2013, 2015, 2017, 2019 और 20 में IPL का खिताब टीम को जिताया। वहीं 2012 में विराट को बेंगलुरु का कप्तान बनाया गया लेकिन 9 सालों में एक बार भी वो टीम को ट्रॉफी नहीं जिता सके और सिर्फ एक बार ऐसा मौका आया 2016 में जब टीम फाइनल पहुंच पाई थी। टीम इंडिया के धाकड़ ओपनर को 2017 में पहली बार भारतीय टीम की कप्तानी करने का मौका मिला था। उस समय श्रीलंका के खिलाफ घरेलू सीरीज में विराट कोहली को रेस्ट दिया गया था और रोहित को टीम की कमान दी गई थी। टीम इंडिया ने वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम की। इसके बाद 2018 में रोहित ने अपनी कप्तानी में भारत को निदहास ट्रॉफी जिताई थी और उसके बाद उसी साल एशिया कप जिताने में भी सफल रहे थे। रोहित अभी 19 T20 इंटरनेशनल में भारत की कप्तानी करते हुए 15 में जीत दर्ज की है जबकि सिर्फ 4 में टीम को हार का सामना करना पड़ा है। वनडे में रोहित ने 10 मैचों में कप्तानी करते हुए 8 में जीत हासिल की है जबकि 2 मैचों में हार मिली है। एक दिवसीय में कोहली की बात करें तो उन्होंने 95 मैचों में टीम की कमान संभाली जिसमें 65 मुकाबलों में जीत वहीं 27 मुकाबलों में टीम को हार मिली है। एक मुकाबला बेनतीजा रहा है। कोहली कप्तानी में भारत को 2017 में ICC चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल, 2019 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 के फाइनल में हार मिली। पिछले 5 सालों की ही बात करें तो T20I और वनडे क्रिकेट में विराट कोहली ने 17 शतक लगाए हैं जबकि रोहित शर्मा के बल्ले से दोनों फॉर्मेट में कुल 22 शतक देखने को मिले हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।